प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं प्रियो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी अच्छी और भली बातें कर रहे हैं और इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा बहुत ही अद्भुत तौर पर हम हर एक लोगों का मार्गदर्शन और अगुवाई कर रहे हैं प्रियो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने पर हैं जिसे कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा का बप्तीस्मा मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपका नया जन्म हो गया है या अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करता और प्रभु के रूप में अगर आपने स्वीकार किया है तो आपका दूसरा जो पढ़ाव है वो है बपतिस्मा। यस yes. आपको पानी से बपतिस्मा लेना है क्योंकि यह मसीह जीवन की शुरुआत है यानी आप अपना जीवन संपूर्ण प्रतिशत परमेश्वर को समर्पित करते हो और जब आप पानी से बपतिस्मा लेते हो तो आप लोगों के लिए गवाह का कारण ठहरते हो आप मनुष्य से नहीं डरते लेकिन जो सृष्टि करता है उसके बातों को आप फॉलो करते हो पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा और जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका तीसरा जो पड़ाव है यानी तीसरा जो बातें आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहिए वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जी हां जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तो काफी बार बिना पानी के बपतिस्मा के भी लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को अनुभव किया या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को अनुभव किया है एक्सपीरियंस किया है लेकिन अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आज आप अपने हृदय को खुला कर सकते हैं और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं आप अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ढेर सारे कार्यों को करे और वो अपने आत्मा से आपको भरे और उसके बाप्तिस्मा को पवित्र आत्मा के बाप्तिस्मा को आप एक्सपीरियंस या अनुभव करने पाए प्रियो आज हम लगभग तीन चीज देखने पर सबसे पहला चीज देखेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिश्मा क्या है दूसरा चीज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो हर एक नया जन पाए हुए विश्वासी और सेवकों के लिए क्यों जरूरी है और तीसरा बात हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के जो है उनका चिन्ह क्या है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चिन्ह क्या है प्रियो हम आपको कहना चाहते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक है और ये तीनों अलग अलग है यानी वन गॉड इन अ थ्री पर्सन एक परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में ये तीनों का भी व्यक्तित्व एक समान है कोई किसी से छोटा नहीं है लोगों ने परमेश्वर के बारे में पिता के बारे में बहुत अच्छे से जाना है लोगों ने यीशु मसीह के बारे में जाना है लेकिन जब बात आता है पवित्र आत्मा को तो बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा के बारे में गलत फैमी तैयार करते हैं कुछ लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा इसका मतलब है पानी कोई कहता है पवित्र आत्मा इसका मतलब है आंधी कोई कहता है, इसका मतलब है, कोई कहता है, इसका मतलब है जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा व्यक्ति है आज सोचिए ना पवित्र आत्मा के विषय में लोगों ने इतना गलत फहमी किया है तो पवित्र आत्मा के वरदानों के पवित्र आत्मा के, के विषय में लोगों ने कितना गलत किया होगा इसलिए आज बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि जिस क्षण में आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हो उसी क्षण में आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो जाता है या फिर पवित्र आत्मा परिपूर्ण तौर पर आप में आकर रहना चालू करते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहता है बाइबल बताता है कि हाँ आप जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो तो जी हाँ पवित्र आत्मा आप में रहता है लेकिन पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है यह बिल्कुल अलग है जब आप पढ़ोगे क्योंकि मैं इन चीजों को थोड़ा सा इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आप इन चीजों को जानना चाहिए और इन चीजों के बारे में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और सेल्वेशन या उद्धार ये दोनों भी अलग बातें हैं इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और अगर आपको यह वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप इसके लिंक को ढूंढकर आप क्लिक कर कर देख सकते हैं तो प्रियो मैं आपको कह रहा था जब आप प्रेतों के काम अध्याय एक पढ़ोगे और वचन जब पांच पढ़ोग लिखा है क्योंकि योहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे यीशु मसीह अपने छह को कहता है कि योहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम जो है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे जब आप दूसरे अध्याय को पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते वहां पर कि वहां पर पवित्र आत्मा एक लोगों पर उतरा जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने पर थे तो बाइबल कहता है उन्होंने अपने चेलों पर फूका और कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो या पवित्र आत्मा पाओ रिसीव द होली स्पिरिट तो जैसे उन्होंने फूका तो पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं क्योंकि यीशु का वचन है यीशु कहता है वो बातें सौ प्रतिशत पूरी होती है हंड्रेड परसेंट वो पूरी होती है तो जैसे ही यीशु मसीह ने फूका और जब यीशु ने कहा कि रिसीव द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा पाओ तो छेले उसी समय पवित्र आत्मा पाए अब उसमें पतरस था उसमें योहन्ना था उसमें लुका था उसमें मताई था और भी जितने भी छेले थे वो सब लोग उसमें थे जब पवित्र आत्मा ने जब पवित्र आत्मा यीशु ने पवित्र आत्मा को फूका तो वो सब लोग वहां पर थे और वो सब लोग 120 लोग जो कि प्रेतों के का मध्य दो में जो 120 लोग इकट्ठे थे वहां पर भी वो सभी चेले थे अब मुझे बताए हम बारह चेलों को ही लेते हैं जब यीशु मसीह ने उन पर फूका तो बारह चेलों को ही लेते हैं कि बारह चेलों पर पवित्र आत्मा आया लेकिन जब 120 लोगों में जब ये बारह लोग जाके जुड़े यानी 108 और ये बारह टोटल हो गए 120 हैं। तो बाइबल कहते कि पेंटिकोस्ट के दिन में 120 लोगों पर आग किसी चीप दिखाई दी और एक के एक लोग अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना या बोलना शुरू किया जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरणा दिया अब अगर इन्होंने पवित्र आत्मा को यीशु के द्वारा पाया है तो वहां पर 108 लोग ही बपतिस्मा पाना चाहिए लेकिन बाइबल कहता है 120 के 120 लोगों ने बपतिस्मा पाया आप आप इसे समझने की कोशिश करें आप इसे अध्ययन करने की कोशिश करें कि सेल्वेशन और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये दोनों अलग अलग कार्य है ठीक है जब आप प्रेतों के काम मध्य आठ को पढ़ोगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को सुने इन चीजों को समझे क्योंकि जब आप इन चीजों को समझोगे तब जाके आपको पवित्र आत्मा के बप्तीस्मा का महत्व जो है वो पता चलेगा जब तक आप इन बातों को नहीं जानोगे तब तक आप पवित्र आत्मा के महत्व को या पवित्र आत्मा के बप्तीस्मा के महत्व को नहीं जानोगे बाइबल कहता है प्रेत के काम मध्य आठ और वचन पांच से आठ पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक सुने लिखा है और फिलिपुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगा जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया क्योंकि बहुत में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गए और बहुतों से बहुतों से लकुए के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया हाल उस नगर में बड़ा आनंद छा गया वाओ द लॉर्ड उस उस नगर में बड़ा आनंद छा गया अब बारह नंबर के वचन से पढ़ता हूं ध्यानपूर्वक सुने लिखा है परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का समाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष स्त्री बपतिस्मा लेने लगे तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर के साथ रहने लगा वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देख कर चकित होता था अब यह शिमोन कौन है यह शिमौन नहीं है यह वहां का लोकल शिमोन जादूगर था ठीक है अब इस व्यक्ति ने भी परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्यचकित कामों को देखकर इस व्यक्ति ने भी अपना मन फिराया और इसने बपतिस्मा लिया अब ये सब लोग जो है ये उद्धार पाए हुए हैं नए जनमी विश्वासी है ठीक है अब इन्होंने यीशु के नाम का आ, विश्वास किया यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया दूसरा जो स्टेप था जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी का बपतिस्मा लेना है इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया अब तीसरा स्टेप बाइबल कहता है चौदह नंबर के वचन से जब आप पढ़ोगे लिखा गया है जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पत्रस और योहन्ना को उनके पास भेजा अब यहां पर जो यरूशलेम में जो प्रेरित रहते थे जो लोग रहते थे उन्होंने क्या किया जब उनको पता चला कि पूरे सामरिया ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है बपतिस्मा ले रहे हैं तो उन्होंने पत्रस और योहन्ना को भेजा क्यों पत्रस और योहन्ना को भेजा उसके आगे लिखा पंद्रह नंबर के वचन में उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए सोलह नंबर का वचन क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था उनमें से किसी पर ना ना उतरा उतरा था था जी किसी पर हालांकि उनका सलवेशन हो गया है हालांकि उनका बपतिस्मा हो गया है लेकिन पवित्र आत्मा अब तक उन पर किसी पर ना उतरा था अब बाइबल कहता है सत्रह नंबर के वचन पर लिखा है तब उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया लेकिन यहां पर जब आप पढ़ोगे तो यहां पर ऐसा लिखा गया है कि जब जब प्रेरित लोग आए और उन लोगों पर हाथ रखा जो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है याद रखिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने के लिए यीशु मसीह को स्वीकार करना सबसे जरूरी है सबसे जरूरी है बपतिस्मा नहीं हुआ है फिर भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका हो सकता है अगर आपका बपतिस्मा पानी का नहीं हुआ है, फिर भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो सकता है क्योंकि वचन में लिखा गया है ठीक है जो कि मैं आगे आपको पढ़वाऊंगा अगर पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है तो भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो सकता है लेकिन आपको आगे जाकर पानी का बपतिस्मा भी लेना है क्योंकि पानी का जो बपतिस्मा है यह आपका स्वाभाविक तौर पर या शारीरिक तौर पर अंगीकार है पब्लिकली कि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है अब पढ़ते हैं अध्याय नौ और वचन सत्रह अध्याय नौ वचन सत्रह बाइबल कहता है तब हनानिया उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ अपना हाथ रखकर कहा हे भाई शाह प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है तुझे दिखाई दिया था उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और तुरंत उस उसकी आंखों से छिलका सा गिरा और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया हालेलुया बाइबल कहता है सत्रह नंबर के वचन में तब हनानिया उठकर उस घर में गया और उस उस पर अपना हाथ रखकर कहा किस पर हाथ रखकर कहा शौल शौल कौन है जो आने वाले समय में पॉल होने पर था यही वो शौल है बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह का मुलाकात शौल से हुआ तो वह व्यक्ति मानो अंधा सा हो गया उसकी आंखों पर एक छिलका सा आ गया और फिर बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति से बातें की जिसका नाम हनानिया है वो उससे बातें की और बाइबल कहता है हनानिया की तू जा और शाउल के लिए प्रार्थना कर शाउल के लिए प्रार्थना कर हाँ ले लुया शाउल के लिए प्रार्थना कर क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो देखने लगे और वो पवित्र आत्मा से भर जाए हाँ अगर आप ऐसे विश्वासी हैं जो अब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं आपका सेल्वेशन हो गया है आपका बैप्टिज़म हो गया है, पानी का लेकिन अगर आपका अभी तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ है तो आप एक्सपेक्ट करें और जिनका बैप्टिज्म हो गया है होली स्पिरिट में पवित्र आत्मा में तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका इस्तेमाल करें उसका उपयोग करें अब हम देखने पर है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है या कैसे होता है बाइबल कहता है जब आप प्रेरित के काम अध्याय दो जब आप पढ़ोगे जी हाँ आपने ठीक अनुमान लगाया कि पहली बार पवित्र आत्मा एकदम अद्भुत सामर्थ के साथ जहां पर उतरा था बाइबल कहता है वचन एक से लिखा है जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे एक थे एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठहरी वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे अब बहुतायक लोग जो है जब इस शास्त्र भाग को पढ़ते हैं इन वचनों को पढ़ते हैं वे वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है 2000 साल पहले पृथ्वी पर आ गए हैं 2000 साल पहले पृथ्वी पर आ गए हैं और अब जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं उनको इस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि भाई आपको और भी थोड़ा बाइबल पढ़ने की जरूरत है क्योंकि जब आप अध्याय आठ अध्याय नौ अध्याय दस जब आप पढ़ोगे वहां पर तो लिखा गया है कि उन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया था और ये आपको समय मालूम है ये जो समय लगभग बीस साल के अंदर का समय है यानी के का मध्य है दो और के का मध्य है दस या ग्यारह ये जो है बीस साल के अंदर का समय है यहां पर पवित्र आत्मा उतर लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था जब तक कि प्रेरित वहां पर नहीं गए जब तक कि प्रेरितों ने प्रचार नहीं किया जब तक कि प्रेरितों ने हाथ नहीं रखा तब तक पवित्र आत्मा वहां पर नहीं उतरा था अब जब पवित्र आत्मा का बत्तीसवा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं ना हो सकता है कि आंधी किसी सनसनाहट ना सुनाई देती हो हो सकता है कि आग किसी जीभ ना फटती दिखाई देती हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखाई देगी अभी ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि जो एक बार हो गया सो हो गया मैं आपको बताना चाहता हूं ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो एक्सपीरियंस जो लोग आज भूखे प्यासे हैं, वो दोबारा कर सकते हैं अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को नहीं पाया है तो क्योंकि बहुत सारे जगहों पर अगर आप हमारे भारत की बात करोगे अगर आप भारत की स्टडी करोगे पुणे में केड़गांव मुक्ति मिशन है पंडित रामाबाई मालूम है वो महिला पूरे दुनिया में क्यों जाना जाती है खास करके मसी मसीह क्षेत्र में मसीह लोगों के संपर्क में कांटेक्ट्स में क्योंकि वहाँ पर वहाँ पर पवित्र आत्मा आग जैसे उतरा था और जब पवित्र आत्मा आग जैसे उतरा था तो वहां से रिवाइवल जो है स्प्रेड हो गया और उसी के वजह से वो जो जगह है वो जो लोग है बहुत फैल गई यहां हुआ और लोग उन्हें पहचानने लगे सो so, ऐसे एक्सपीरियंस हो सकता है और ऐसे एक्सपीरियंस नहीं भी हो सकता है हर जगह आग नहीं उतरा लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं उतरेगा ये हम नहीं कह सकते बहुत सारे लोग कहते हैं डंके की चोट पर सीना ठोक कर ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा आपने वचन को बांध लिया है आपने प्रभु को बांध के रखा है प्रभु आपके अनुसार काम करेंगे हाँ भाई आपके अनुसार प्रभु काम करेंगे आपको मालूम है जब आ, पौलूस का हालांकि मैं थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर बात कर रहा हूँ लेकिन इसको सुनिए ये बहुत आ, आ, क्या कहता है ना सोचने वाली बात है जब शौल जो पौल होने पर था जब उसका मुलाकात यीशु के साथ हुआ तो बाइबल कहता है कि स्ट्रोक विथ ब्लाइंडनेस वो अंधेपन से घिर गया या अंधापन उसमें आ गया प्रभु से मुलाकात करके अंधापन आ गया शारीरिक तौर पर ही वॉज ब्लाइंड फॉर नियरली टू डेज दो दिन तक वो व्यक्ति अंधा था दो दिन तक आप कल्पना कर, कर देखिए आप सोच कर देखिए सेल्वेशन बंदे का हो रहा है क्योंकि उसने उस क्षण में विश्वास करता हूं कि उस क्षण उसने यीशु पर विश्वास किया यीशु की बातों को सुनकर उसने रिसीव किया यीशु को क्योंकि उसने प्रभु कहा है उसने रिसीव किया थैंक यू जीसस वी लव यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड उसने रिसीव किया और वो बंदा अंधा हो जाता है आप कल्पना कर देखिए प्रियो ऐसा एक्सपीरियंस अब कुछ लोग इस एक्सपीरियंस को नहीं मानेंगे कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार जो अंधा है वो ठीक हो जाना चाहिए लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है वो में अंधा कैसे हो सकता है आप लिमिटेड मत करें परमेश्वर को बहुत सारे लोग जो है ना अपने अनुसार कुछ भी बताते हैं कुछ भी बोलते हैं और बेचारे जो नादान लोग हैं नासमझ लोग हैं ऐसे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं ये तो आ, दुख की बात है लेकिन कुछ नहीं कर सकते अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहता है जब आप पढ़ोगे प्रेतो के काम अध्याय दस प्रेतो के काम अध्याय दस बहुत सुंदर लिखा है पत्रस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया अब पत्रस यहां पर प्रचार कर रहा है अब ये लोग कौन है ये लोग हालांकि यहां पर गैर मसीह लोग हैं ये यहूदी लोग नहीं थे पतरस यहूदी था और पतरस के साथ और भी कुछ यहूदी लोग आए हुए थे लेकिन दर्शन दिया क्योंकि तुम्हारा दान जो है परमेश्वर के पास पहुंचा तो ये लोग विश्वासी थे ये लोग विश्वास करते थे लेकिन गैर यहूदी थे अब इन्होंने बपतीसमा भी नहीं लिया था पानी का बपतीसमा भी नहीं लिया था तो इन्होंने पत्रस को बुलाया और पत्रस यहां पर प्रचार कर रहे यीशु के बारे में बहुत अद्भुत तौर पर यहां पर है ना प्रचार कर रहे और जैसे ही पत्रस प्रचार कर रहे बाइबल कहता है चौवालीस नंबर दस चौवालीस प्रेतों के काम दस चौवालीस में ऐसे लिखा है पत्रस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया और जितने खतने किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी परमेश्वर का दान उंडेला गया है क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुनी इस पर पत्रस ने कहा और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए पत्रस ने यहां पर आज्ञा दिया ठीक है पत्रस ने यहां पर आज्ञा दिया जब पवित्र आत्मा इन पर आया तब इन्होंने पानी से बप्तिस्मा नहीं लिया था लेकिन पवित्र आत्मा इन पर आया परमेश्वर सीमित तो नहीं है कोई चीज से प्रयोग अब कुछ लोग जो है ना बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा ही करते रहते हैं देखो यहां पर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया अब मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने अब तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया आपने क्यों नहीं लिया ये आपने दिल को पूछे क्या आप इंसानों से डर रहे हैं जो आपका शरीर का घात करेंगे या आप उस परमेश्वर से डरते हो जो आपके आत्मा का भी घात कर सकता है जो आपके शरीर का भी घात कर सकता है इंसानों से डरो मत परमेश्वर से डरो और जब आप परमेश्वर से डरते हैं तो पानी का बपतिस्मा लो क्योंकि पानी का बपतिस्मा ये आपका विश्वास का डिक्लेरेशन है कि आप प्रभु के साथ एक हो गए हो अब यहां पर बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा एंड दे फिल्ड विद द होली स्पिरिट और वो अन्य भाषाओं में बातें करने लगे हालेलुया सो दिस वाज़ द प्टिज्म ऑफ द होली स्प्रिट जब पवित्र आत्मा का बप्तीस्मा आप पर आता है तो आप जो है एक अलग व्यक्ति के तौर पर बदल जाते हो कुछ नया चीज आपके साथ जुड़ जाता है जब तक आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से नहीं होता है आप एक स्वाभाविक जीवन जीते हो प्रियो जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो तो आपका जो पाप का जो लेखा था वो मिट जाता है नर का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाता है स्वर्ग की किताब में यानी जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा जाता है और हर एक गुना आपके मिट जाते हैं ये आपका व्यक्तिगत तौर पर जब आप प्रभु को स्वीकार करते हो आप व्यक्तिगत तौर पर आशीषित रहते हो लेकिन पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है जब आप उसे ग्रहण करते हो तो वो आपके बाहरी जीवन के लिए है मैं सिंपल तौर पर कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह को जब आप व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करते हो तो ये आपके अंदरूनी तौर पर है लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को जब आप ये पाते हो तो ये बाहर की सेवकाई के लिए बाहर के दुनिया के लिए बाहर की आ, आ, लोगों को जीतने के लिए है इन चीजों को आप समझने का प्रयास करो और आने वाले दिनों में भी और भी हम क्लैरिटी के साथ आपके सामने इन चीजों को लेकर आएंगे लेकिन अब इन दिनों में आप इन चीजों को जाने और सीखें दूसरा बात अब हम देखेंगे क्यों बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों बहुत महत्वपूर्ण है आपको मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को महत्व नहीं देते हैं फिर एक बार निकालते हैं प्रेतों के काम अध्याय एक और वचन पांच लिखा है क्योंकि यौहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे थोड़े दिन के बाद तुम पवित्रात्मा से बपतिस्मा पाओगे ओके इसके पहले का वचन भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वचन चार लिखा है और उसने और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की ओर से प्रतिज्ञा को पूरी होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुमने मुझसे तुम मुझसे सुन चुके हो हालेलुया यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु जैसे तुम मुझसे पिता की प्रतिज्ञा सुन चुके हो चर्चा सुन चु, सु, चुके हो आप क्या करो आप प्रतिज्ञा करो आप वेट करो आप इंतजार करो ये किनसे कह रहे हैं मालूम है प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों से कह रहे हैं विश्वासियों से कह रहे हैं वेट करें अब आपको मैं बताना चाहता हूं वचन आठ में ऐसे लिखा है परंतु तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह का कारण ठहरोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सामर्थ को लेकर आता है जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को नहीं पाए हैं वे सामर्थ में काम नहीं कर सकते हैं लेकिन जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाए हैं वे अद्भुत सामर्थ में काम करते हैं। और अगर आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया है तो इस रेवलेशन को अपने अंदर डाल लो कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य के काम करने के लिए चुना है इसलिए अपना जीवन सामान्य और नॉर्मल तौर पर ना बिताओ आखिरी बात और यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है मैं चाहता हूं कि इसको आप सुने कि बप्तीसवा पवित्र आत्मा के बप्तीस्मा का चिन्ह क्या है जब आप पढ़ोगे प्रेतों के काम अध्याय दो जी हाँ पेंटी कोस्ट के दिन का अनुभव प्रेतों के काम अध्याय दस वचन चवाली जहां पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार पत्रस प्रचार कर रहा था और लोगों ने प्रचार सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को ग्रहण किया फिर बाइबल कहता है प्रेतों के काम अध्याय उन्नीस और वचन छ ये मैं पढ़ना चाहूंगा प्रेतों के काम अध्याय उन्नीस और वचन बाइबल कहता है जब पोलूस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भिन भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे अब बाइबल कहता है कि जब भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसी ने पाया है तो वे अन्य अन्य भाषा भिन्न भिन भिन्न भाषा में इन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की है इन्होंने भविष्यवाणियां की है हाल तो यह एक सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है उन लोगों के लिए जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है जी हां ऐसे कुछ प्रतिशत लोग हो सकते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया लेकिन उन्होंने अन्य भाषा में बात नहीं किया कुछ प्रतिशत लोग उन्होंने भविष्यवाणियां किया या अलग कुछ वरदान उनके द्वारा रिलीज हुआ है लेकिन अगर आपके द्वारा कोई वरदान अभी तक रिलीज नहीं हुआ है इसका मतलब हो सकता है कि आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा में नहीं हुआ है और अगर आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा में नहीं हुआ है तो आप इस क्षण में अपेक्षा कर सकते हैं या जो आपके पास्टर है अगर वो अनोन टंग्स में बात करते हैं अगर वो अन्य भाषा में बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता ना उनसे कहे कि वे आप पर हाथ रखे और आप परमेश्वर से अपेक्षा करें कि वो आपको आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के अनुभव को करने के लिए मदद करें आप उनसे बातें कर सकते लेकिन जो व्यक्ति अन्य भाषा नहीं मानता है जो व्यक्ति अन्य भाषा स्वीकार नहीं करता है उनसे बात कर, कर कोई फायदा नहीं है अब कुछ लोग जो है बैक स्लाइड हो गए इन चीजों से मैं कहना चाहता हूं वरदानों से या फिर सामर्थ्य से तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के लिए वे सबसे बड़ा रुकावट का कारण बनेंगे अनेक लोगों के लिए अनेक विश्वासियों के लिए और खुद के लिए भी बहुत सारे ठोकर का वो सामना करने पर है। आप देखते रहोगे आप देखने पर हो जो लोगों ने पवित्र आत्मा के वरदानों का या फिर पवित्र आत्मा के बातों का खंडन किया है पवित्र आत्मा के वरदानों को बुरा भला कहा है वे लोग बहुत सारी परेशानी और दिक्कतियों से गुजरने पर है साथ ही साथ जो लोग उनके साथ में खड़े हैं यह कहते हुए कि वो जो कह रहे हैं वो सही है मैं आपको बताना चाहता हूं आपका एक्सपीरियंस आप झूठा कैसे मान सकते हैं अगर आपने एक्सपीरियंस किया अनुभव किया है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का तो आप उन चीजों को कैसे झूठा मान सकते हैं किसी भाई को शैतान ने बहका दिया है इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा है लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको उन सारे बंधनों से अलग करने पर है इसलिए आप अपेक्षा करें और अगर आप अन्य भाषा में बातें नहीं करते प्रार्थना नहीं करते तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना और बातें करना जारी करें साथ ही साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करने पर हूं और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो आने वाला वीडियोस होगा वो हम अन्य भाषा पर ही बनाने पर है कुछ समय के लिए लगभग ये पूरा हफ्ता जो है आने वाले रविवार तक हम अनोन टंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने पर है क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत बड़ा जागृता लेकर आने पर है रिवाइवल को लेकर आने पर है और इस रिवाइवल में आप एक्सपीरियंस करोगे पवित्र आत्मा के महान प्रदर्शन का पवित्र आत्मा के महान बाप्तिशमा का पवित्र आत्मा के महान सामर्थ का आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इसलिए अपने आप की तैयारी करो और अपने आप को नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने लेकर जाए और परमेश्वर आपको सिखाएंगे आइए हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान चीजों के लिए प्रभु आप अद्भुत हो आप महान हो आप सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु आपके तुल्य और आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी आपको जानने अनुभव करने के लिए आप मदद और सहायता करें प्रभु जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं आप अपने आप को उन्हें अनुभव करवा कर दे प्रभु ये आपके बच्चे भूखे प्यासे हैं उन्हें मदद करे प्रभु आप में बहने के लिए यीशु के नाम से यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं हम रिलीज करते हैं और आज्ञा देते हैं उनके हर एक नकारात्मक सोच को चले जाने के लिए पवित्र आत्मा आप छुए यीशु के नाम से और प्रभु वे अनुभव कर पाए आपको और प्रभु आपने अनुग्रह किया धन्यवाद देते हैं आपने कृपा दया के धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपको ब्लेस करें हमसे जुड़े रहें अगर आप चर्च अटेंड नहीं करते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं आप हमारे चर्च से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को देखा नहीं तो आप देखना शुरू करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लोगों के साथ शेयर करें सच्चाई को फैलाने में हमारी मदद करें गॉड ब्लेस यू प्रभु आपको आशीष करें